मैं कैसे हो? आप लोग अच्छे हो ना? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। पर एक बात बताओ, मैं ही हमेशा पूछूँ आप लोग कैसे हो, कभी आपने नहीं ना पूछना होता कि तुम कैसे हो, कभी नहीं पूछते। चलो कोई नहीं, फिर आप मेरे अच्छे अच्छे वाले दोस्त हो, लवली लवली मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं तो पूछूंगी ना। मेरा तो कुछ नहीं जाता ना, मेरे में ईगो नहीं है। आज ना मैं वाईटी पर वीडियो देख रही थी। मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, मैं वीडियो देखती भी हूँ। हाँ, मुझे ना सितारा बाजी का वीडियो आया और मैंने देखा। हाँ, पहले भी देखे थे एक दो वीडियोस। अरे कितनी सुंदर है, लगता ही नहीं देख के कि उतने उनके तीन तीन बच्चे हैं और उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं। नहीं ना लगता, बहुत मासूम है, बहुत सुंदर है सितारा बाजी। अरे देखो, मुझे बड़ी हैरानी हुई सोच सोच के। वैसे तो देखो, मैंने भी एक वीडियो बनाया था ना कि भरतू अगर दूसरी शादी करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये तो कहने की बातें होती हैं, तो आपको तो पता ही, अगर किसी का हस्बैंड दूसरी शादी कर ले तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? कितनी प्रॉब्लम होती होगी। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि वो कितनी ग्रेट औरत है जिन्होंने अपने हस्बैंड को परमिशन दे दी कि आप दूसरी शादी कर लो। ऐसा कैसे, क्यों दी उन्होंने परमिशन, क्या जरूरत थी देने की परमिशन? किसी ने मांगी थी परमिशन उनसे? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनसे उनके हस्बैंड ने परमिशन मांगी होगी सितारा बाजी से, मुझे तो नहीं लगता। पर क्यों दी उन्होंने परमिशन, मुझे ये नहीं समझ आता। उनके हस्बैंड का ये नहीं समझ आता कि इतनी सुंदर बीवी, इतने सुंदर बच्चे, इतनी सुंदर परिवार, उनको क्या जरूरत पड़ गई दूसरी शादी करने की? क्या वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ खुश नहीं थे? सितारा बाजी तो इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं और इतने अच्छे अच्छे मेकअप कर लेती हैं, सारा घर भी अच्छी तरह से संभालती हैं, बच्चों की भी ध्यान अच्छी तरह से रखती हैं। फिर क्या कमी थी उस लाइफ में कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ी? ऐसा भी क्या बात होगी? अगर मेरा भरतू ऐसे करे ना, तो मैं तो या तो भरतू को घर से निकाल दूंगी, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, मैं ना कभी ऐसा करूँ, कभी भी ना करूँ ऐसा। पता नहीं कैसे कर लिया, भी उन्होंने क्यों परमिशन दे दी है। अरे हाँ, मैंने सुना था कि उनकी कोई पुरानी पुराना पहला प्यार था उनका, जो 13 साल से वेट कर रही थी, इसलिए उनकी शादी उनसे हो सकती थी, ये पॉसिबल था, होनी चाहिए थी उनसे भी शादी, तो इसलिए। हाँ, कह रहे थे कि उनके पास वाजिब रीजन था शादी करने का, तो ये शादी हो सकती थी अगर उनकी वाइफ परमिशन देती। पर क्यों दी परमिशन सितारा बाजी ने, है क्यों क्यों दी? मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। सितारा बाजी अब इतनी दुखी हैं, और हस्बैंड तो अपनी नई वाइफ लेकर चले गए अपने घर, और इन ये अलग से बैठी हैं, इन सारी फैमिली ने इनको अलग कर दिया है। भी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता भाई, सितारा बाजी के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता भाई। मुझे समझ नहीं आता, अगर सितारा बाजी वाईटी पे नहीं होती, उनकी इनकम नहीं होती, तो फिर बेचारी क्या करती, धक्के खाती ना? फिर उसके हस्बैंड पता नहीं उसको उसको कैसी देख रेख करते, कहाँ रखते, है ना? क्या पता उनको न्यू वाइफ के साथ रखते, है ना, काम वाली बना देते। पर देखो, जब देखो 13-14 साल मैरिज के हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ बहुत कुछ जोड़ते हैं ना, कुछ सेविंग कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे मैंने और भत्तू ने अपना अपना घर खरीदा है, फिर अभी हम और भी फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, फिर हमने गाड़ी ली। 13-14 सालों में कितनी सेविंग हो जाती है ना, बहुत कुछ बन जाता है घर का, है ना? तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर ले तो क्या सारी चीज़ों में जो वाइफ होती है वो सेकंड वाइफ जो होती है उसको हाफ मिल जाता है क्या? जैसे अगर मेरा भट्टू शादी कर लेगा, तो अगर भट्टू के नाम पर वो हमारा घर होगा तो चंडीगढ़ वाला, तो क्या वो आधा उसको मिल जाएगा, सेकंड वाइफ को मिल जाएगा? और जैसे हमने कार भी ली है ना, आपको पता कितनी महंगी कार आई है ना, तो आधे पैसे उसको मिल जाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? फिर तो गलत बात है ना, फिर तो गलत बात है कि मेहनत तो सितारा बाजी करे और सब चीजों का हाफ 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 वो ले जाएगी सेकंड वाइफ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होगा क्या?
मैंने जो भी आज तक मैंने इतनी कंजूसी कर करके भरतू ने मुझे चाय भी नहीं पीने दी, कभी पार्क भी नहीं, पार्किंग के भी नहीं पैसे दिए कभी, तो सारे पैसे आधे पैसे वो ले जाएगी सेकंड वाइफ। भी को बहुत गलत हुआ है, सितारा बाजी ने अगर अच्छी तरह से आ, आ, उनको परमिशन दी थी तो उनको बराबर रखना चाहिए ना दोनों बीवियों को, है ना? ये तो होना ही चाहिए ना, पर पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर मुझे सितारा बाजी पे बड़ा तरस आता है, बड़ा दुखी होती हूँ मैं उनको देख के कि कितनी सुंदर बीवी है। मतलब एक तरफ इतनी सुंदर जिंदगी, बीवी, बच्चे, और एक तरफ दूसरी वाइफ, और आदमी चुनेंगे सिर्फ सेकंड वाइफ, वो जो उनके इतने सुंदर बच्चे, इतनी सुंदर बीवी, घर, बाहर, सब कुछ, वो खत्म, सेकंड वाइफ, सब कुछ सेकंड वाइफ हो जाती है। हाँ, कितनी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत बात है, बहुत गलत हुआ सितारा बाजी के साथ तो, बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो, मुझे ना एक और सोच रही थी मैं बैठी बैठी के, देखो आजकल के जमाने में सबका ही फर्स्ट लव होता है ना, पहला पहला प्यार जैसे होता ही है सबका ही, कई कई के लड़कियों को तो स्कूल टाइम में प्यार हो जाता है ना, किसी को अपने टीचर के साथ ऐसे ही क्रश, क्रश को ही तो पहला प्यार बोलते हैं, तो फिर क्या सारे लड़कों को अपने पुराने जो पहला पहला प्यार था उसको चेक करना चाहिए कि कवारी बैठी हो वो लड़की ने शादी ना की हो तो वो उसके साथ जाके शादी कर सकते हैं। हाँ, ये भी तो, ये ऐसा सोची थी, और अगर लड़कियों को भी ऐसे मौका मिले कि वो कहें कि पहला पहला प्यार था हमारा, जो उनको उनसे पूछे कि उन्होंने शादी कर ली, पता कर लें किसी और से, पता कर लें फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी रिश्तेदारों से पूछ लें, है ना, तो मतलब दूसरी शादी कर सकते हैं। हाँ, अब लड़कियों भी दूसरी शादी कर सकती हैं, दैट मीन्स अगर मैं इक्वल मानूँ लड़के भी कर सकते हैं, देखो हम तो बराबर मानते हैं लड़कियों को और लड़कों को, है, तो दैट मीन्स अगर आपने पुराना प्यार है आपका कोई है, तो पहला पुराना नहीं पहला प्यार है जो आपने बचपन में किया होगा, है ना, तो उसके साथ शादी कर सकते हो आप। आपने नहीं ना चेक किया होगा, मुझे पता है आपका इतना दिमाग तो है नहीं जितना मेरा दिमाग है, क्योंकि मैं हूँ द चिंपोनी का ब्यूटी विद ब्रेन। और क्या, आपको तो नहीं आइडिया आया होगा कि हम भी देख लें हमारा कोई पहला प्यार अगर आपको याद हो, कि उसके साथ कांटेक्ट करके देख लें, किसी तरह से पता कर लें कि शायद वो अनमेरिड हो तो उससे शादी कर लो जाके, हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने मेरा पहला प्यार कौन था, कि मैं चेक करूं जाके, नहीं, मैं आज सारी रात सोचती हूँ, मैं ऐसे ऐसे सारा दिमाग लड़ाती हूँ चाय पी पी के मैं भी चेक करूं जाके कि उसका उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है ना, तो फिर मतलब सेकंड शादी हो सकती है इसी, अगर कुछ है ऐसा तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। चलो चलो चलो, मैं तो चाय बनाऊँ आज, तो मैंने ना 2 लीटर चाय बनानी है, और क्योंकि मुझे बैठ के सोचना है कि मेरा पहला प्यार कौन था। आप भी अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, फोन घुमाओ, जाके पता कर लो खुद ही जल्दी से कि अगर वो अनमैरिड है तो शादी करो जाके, क्यों चुप करके बैठे हो, अगर नहीं याद है तो चाय बनाओ 2 लीटर और पियो और याद करो, फिर पता कर लो, फिर पता करके आपको पता चल जाए कि अनमैरिड है तो फिर हम भी परमिशन लेके शादी कर लेंगे। और क्या, चाहे आप लड़के हैं तो फिर तो आपका, फिर आप तो कर ही सकते हो, और लड़कियों के लिए भी हम आवाज उठाएंगे कि लड़कियों को भी करनी चाहिए ऐसे। हाँ, जाओ जाओ चाय बनाओ, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, मुझे याद करना है, फिर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे याद आया कि नहीं आया, ठीक है? चाहो आप भी चाय बनाओ, दिमाग लड़ाओ, याद करो।